आतंकी फंडिंग रोकने के लिए दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर विषय पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, 72 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल, पाकिस्तान ने बनाई दूरी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खात्मे के लिए उनका नेटवर्क तोड़ना बेहद जरूरी। वी विल नॉट रेस्ट टिल टेररिज्म इज अपरूटेड। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, एक दिन में बीजेपी के बड़े नेताओं का 82 विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान की बड़ी रैली। कि विकास के दृष्टि से गुजरात ने देश ही नहीं दुनिया में अपने आप को स्थापित किया। आज जब हम विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है गुजरात मॉडल। चुनाव में टिकटों की बिक्री के आरोप में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल पर जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ मांगने का लगाया। भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिक्स किया है वो 1 पैसे का है। ये सब मुंबई में डॉन बात करते थे ना, 1 खोखा 1 पैसा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे स्टार प्रचारक। लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी नाम। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का गुरुग्राम के सेक्टर 24 में सर्च ऑपरेशन, आफ्ताब के पुराने दफ्तर के पास करीब 1 घंटे हुई तलाश, पॉलिथीन में कुछ सबूत इकट्ठा कर लौटी पुलिस। सामने आई श्रद्धा की नई तस्वीर, आफ्ताब की पिटाई से श्रद्धा के चेहरे और गले पर दिखे चोट के निशान, फोटो दिसंबर 2020 के होने का दावा, इलाज के लिए वसई के अस्पताल में हुई थी भर्ती। गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द लेके आई थी जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी, वो सीवियर पेन था इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। लखनऊ के निधि गुप्ता हत्याकांड में पकड़ा गया आरोपी सुफियान, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, निधि गुप्ता को 4th मंजिल से धक्का देकर मारने का आरोप। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस, पीएम मोदी ने इसरो और साइंटिस्ट को दी बधाई, लिखा ये प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में मील का पत्थर। स्पेस प्रोग्राम न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा।